हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अमूर्त रूप में तीन अंकीय संख्याओं को जोड़ना। इस वीडियो में हम सीखेंगे तीन अंकीय संख्याओं का बिना हासिल के जोड़, तीन अंकीय संख्याओं का हासिल के साथ जोड़, तीन तीन अंकीय संख्याओं का जोड़। बच्चों, अमूर्त रूप में दो अंकीय संख्याओं को जोड़ना तो तुम जानते हो ना? तो बताओ 41 और 57 को कैसे जोड़ेंगे? दीदी, इकाई और दहाई के कॉलम बनाएंगे, फिर जोड़ी जाने वाली संख्याओं को कॉलमों में लिखेंगे। पहली संख्या है 41 यानी 4 दहाई और 1 इकाई। अब दूसरी संख्या है 57 यानी 5 दहाई और 7 इकाई। अब इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। इकाई के कॉलम में 1 और 7 मिलकर होंगे 8। दहाई के कॉलम में 4 और 5 मिलकर होंगे 9। अब 9 दहाई और 8 इकाई मिलकर क्या संख्या बनाएंगे? यानी 41 और 57 का जोड़ होगा 98। हाँ, क्या तुमने ध्यान दिया कि 41 और 57 दोनों ही दो अंकीय संख्याएं हैं? अब अगर मैं तुम्हें तीन अंकीय संख्याएं जोड़ने को कहूँ तो कैसे जोड़ोगे? तीन अंकीय संख्याएं। अरे याद है ना कि जब कोई संख्या इकाई और दहाई में हो तो वो होती है दो अंकीय संख्या, जैसे 41 और 57। और जब कोई संख्या इकाई, दहाई और सैकड़ा में हो तो वो होती है तीन अंकीय संख्या, जैसे 165 और 213। दीदी, कैसे जोड़ेंगे तीन अंकीय संख्याओं को? बहुत आसान है पटर। सबसे पहले इकाई, दहाई और सैकड़ा के कॉलम बनाएंगे, फिर जोड़े जाने वाली संख्याओं को इन कॉलमों में लिखेंगे। मान लो कि हमें 165 और 213 को जोड़ना है। पहली संख्या है 165 यानी 1 सैकड़ा, 6 दहाई और 5 इकाई। तो हम लिखेंगे इकाई के नीचे 5, दहाई के नीचे 6 और सैकड़ा के नीचे 1। ठीक। अब दूसरी संख्या है 213 यानी 2 सैकड़ा, 1 दहाई और 3 इकाई। तो हम लिखेंगे इकाई के नीचे 3, दहाई के नीचे 1 और सैकड़ा के नीचे 2। अब इनको जोड़ेंगे। इकाई के कॉलम में हमारे पास हैं 5 और 3, इनका जोड़ होगा 8। दहाई के कॉलम में है 6 और 1, इनका जोड़ 7 होगा। ऐसे ही सैकड़ा के कॉलम में 1 और 2 का जोड़ 3 होगा। तो बताओ 3 सैकड़ा, 7 दहाई और 8 इकाई से कौन सी संख्या बनी? दीदी, 378। शाबाश चटर। तो बच्चों, इस तरह से तीन अंकीय संख्याओं को जोड़ते हैं, समझ गए ना? चलो अब 407 और 382 को जोड़ेंगे। सबसे पहले इकाई, दहाई और सैकड़ा के कॉलम बना लेते हैं। अब जल्दी से इन संख्याओं को कॉलमों में लिखो। पहली संख्या है 407 यानी 4 सैकड़ा, 0 दहाई और 7 इकाई। दूसरी संख्या है 382 यानी 3 सैकड़ा, 8 दहाई और 2 इकाई। शाबाश बच्चों। चलो अब इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करो। इकाई के कॉलम में 7 और 2 मिलकर होंगे 9। दहाई के कॉलम में 0 और 8 मिलकर होंगे 8। हाँ, और सैकड़ा के कॉलम में 4 और 3 मिलकर होंगे 7। तो क्या संख्या बनी?
सात सैकड़ा, आठ दहाई और नौ इकाई मिलकर बनी संख्या 789। बहुत अच्छे बच्चों। ऐसे ही 539 और 126 को जोड़ो। सबसे पहले इकाई दहाई और सैकड़ा के कॉलम बना लेंगे। अब पहली संख्या है 539, यानी 5 सैकड़ा, 3 दहाई और 9 इकाई। दूसरी संख्या है 126, यानी 1 सैकड़ा, 2 दहाई और 6 इकाई। हाँ बच्चों, अब इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करो। 9 और 6 होंगे 15, इसे इकाई के कॉलम में लिख देते हैं। अरे रुको चटर, देखो 15 तो 2 अंकीय संख्या है, इसको इकाई में कैसे लिखेंगे? ओ हाँ, संख्या 15 में कितने दहाई और कितने इकाई हैं? 1 दहाई और 5 इकाई है दीदी। हाँ तो 5 को लिखेंगे इकाई के कॉलम में और 1 को लिखेंगे दहाई के कॉलम में, यहाँ सबसे ऊपर। हासिल हो गया 1। ठीक है, चलो अब दहाई की संख्याओं को जोड़ते हैं। 3 और 2 हो गया 5, 1 हासिल भी तो है, उसे भी तो जोड़ेंगे ना। तो 5 और 1 हो गया 6। अब सैकड़ा के कॉलम में 5 और 1 हुआ 6, तो चलो जल्दी से संख्या बनाओ। 6 सैकड़ा, 6 दहाई और 5 इकाई मिलकर बनी संख्या 665। चलो अब 582, 264 और 105 को जोड़ो। दीदी ये तो 3 अंकों की 3 संख्याएं हैं, इन्हें कैसे जोड़ेंगे? अरे चटर, वैसे ही जैसे 3 अंकों की 2 संख्याओं को जोड़ते हैं। सबसे पहले इकाई दहाई और सैकड़ा के कॉलम बना लेंगे। ठीक, पहली संख्या है 582, यानी 5 सैकड़ा, 8 दहाई और 2 इकाई। दूसरी संख्या है 264, यानी 2 सैकड़ा, 6 दहाई और 4 इकाई। तीसरी संख्या है 105, यानी 1 सैकड़ा, 0 दहाई और 5 इकाई। अब इकाई की तरफ से जोड़ करेंगे। ठीक, इकाई के कॉलम में 2 और 4 मिलकर होंगे 6, उसमें 5 जोड़ेंगे तो होगा 11, यानी 1 दहाई और 1 इकाई। तो हम इकाई के नीचे 1 लिखेंगे और 1 दहाई होगा हासिल। दहाई के कॉलम में 8 और 6 मिलकर होंगे 14 और 0 जोड़ने पर भी 14 ही रहेगा। अब 14 और हासिल के 1 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 15। इसे कैसे लिखेंगे? 15 दहाई यानी 1 सैकड़ा और 5 दहाई, तो 5 को लिखेंगे दहाई के कॉलम में और 1 जाएगा हासिल के रूप में सैकड़ा के कॉलम में। अब सैकड़ा के कॉलम में 5 और 2 मिलकर होंगे 7, उसमें 1 जोड़ेंगे तो होगा 8 और हासिल के 1 को जोड़ा तो होगा 9। तो कौन सी संख्या बनी? नौ सैकड़ा, 5 दहाई और 1 इकाई से बनेगी संख्या 951। बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों तुमने अमूर्त रूप में 3 अंकीय संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी है जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी।
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।